बस मैं जा रहा हूँ आज पापा के साथ वीडियो बनाने। हाँ पता है कितनी वीडियो बनेगी पापा के साथ। इसको भी पता है तो आज का ब्लॉग थोड़ा साइलेंट मोड में रहेगा। देखो ये इंडियन पोस्ट पड़े हैं, मैंने सनी को बोल दिया वो आज देकर आ जाएगा। ये हर जगह मिलेंगे, हर जगह होना मतलब जरूरी है। हाँ। किसी भी प्रोग्राम में जाओ ये जरूर मिलेंगे। yes, ये एडवोकेट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए। किसी भी नहीं दम का प्रोग्राम हो समाज। हाँ, मतलब वही। नागपुर से आए हुए हैं। अच्छा, बदंत रख देव के। तो आज क्या बताने वाले? आज एक दिवसीय सत्य अन्वेषण शिविर है। पूछूंगा मैं। उन्हीं बाबा साहब ने अंतिम दिनों में कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब ये कितना विरोधाभास है। एक तरफ बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, दूसरी तरफ बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो अब इसका क्या अंतर निकालें? हर समय बहुजन समाज वही गलती दोहराता रहा, धूल की चेहरे पर आईना साफ करता रहा। ये बहुजनों की हालत है। तो अपने ऊपर धूल है, अपने अंदर एकता नहीं है और वो मनुवाद का आईना साफ करते रहते हैं। मनुवादी ऐसे, मनुवादी वैसे। अरे तुम खुद कैसे हो देखो ना आईने में। पर जितने भी सफ़ेद कपड़े पहने हैं ना इनको बौद्ध अनुयायी बोलते हैं, और जो सैफ्रॉन में है वो भंते जी हैं। और एक विरोधाभास देखा है मैंने, जो अनुयायी हैं और जो भंते जी हैं इनके बीच में एक अलग सी लड़ाई सी नज़र आई मुझे। ये चीज़ आप ना क्रिश्चियन में देखोगे ना मुस्लिम्स में देखोगे, बट तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारे एक और सम्राट मिले, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। यहाँ ऐसा लगा नहीं थोड़ा थोड़ा कि कुछ अनुयायी और भंते जी के बीच में बहस हो गई? नहीं नहीं नहीं, बहस तो नहीं हुई। मतलब क्या कहें, बहस नहीं कहा जा सकता। जिज्ञासा होती है लोगों की देशना सुनने के बाद या कैडर सुनने के बाद। लोग ऐसा, लेकिन मुस्लिम्स में कभी नहीं होता, क्रिश्चियंस में कभी नहीं होता। अपने यहाँ क्यों होता है ऐसा? वहाँ क्या है, भक्ति भाव है। मतलब वहाँ वो कहते हैं जो ईश्वर ने लिख दिया कह दिया, या ईश्वर के जो मीडिएटर हैं उन्होंने जो कह दिया वो ही सत्य है। यहाँ पर बुद्धिज्म में ये रास्ता खुला हुआ है। अब तर्क की बुद्धि पर कोई बात खरी नहीं उतर रही है तो उसको पूछ सकते हैं। तो भंते जी ने खुद ही अपनी इच्छा से प्रश्नोत्तरी सेशन रखा था, तो यहाँ बहस नहीं हुआ। वो भंते जी जवाब दे रहे थे उस लोगों के जो डाउट थे उनको। अब ये बताओ कि दूसरा प्रोग्राम कहाँ है, कहाँ मिलोगे? दूसरा प्रोग्राम अपना पंचील नगर में है, एक शाम महापुरुषों के नाम। कब? अभी 5 बजे से 8 बजे तक। अभी? हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना मतलब इतना डेडिकेटेड इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब इतना कहाँ से लाते इतना डेडिकेशन? वो भगवान बुद्ध की गाथा है, अनिच्छा वत्संगारा उपदयो धम्मो विजित्वा निर्जंती देश सब संसार अनित्य है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए अपने आप को यूज कीजिए और समाज में काम कीजिए और सदुपयोग कीजिए, यही धम्म की शिक्षा है। ये रतन बौद्ध है, एडवोकेट। हाँ, हाई कोर्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैं ज़्यादातर ना ऐसे प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट। लेकिन आज जो भंते आए थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग से थे, और उन्होंने ये समझाया कि बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। मैंने सुबह थायराइड की दवाई खाई ना, उसके बाद कुछ खाया नहीं, मेरा सर घूम रहा है। और देखो मेरी बीवी मेरे लिए फल लेके बैठी हुई है। थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। कल का वीडियो बना लिया, तेरे को दिखाऊं जल्दी या फिर मुझे पब्लिश करना है। और बहुत गजब का और अजीब गरीब वीडियो बनाया है। युगल भाई आए हैं आज, सारा काम युगल भाई ने देखा। 64। अच्छा, मैं सोचा था ऑफिस आके बताऊं कि क्या क्या हुआ, लेकिन कल आके बताता हूँ। पवित्र बच्चे उड़ गए क्या? नहीं नहीं अभी हैं। पार्टी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर एक खाओ चोर बैठा होगा, वो आप हो। मेरा हिस्सा लाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे तो ऐसा छोड़ना होता, एक तो मेरा दो। नहीं नहीं। अरंत मुझे खिलाओगे?
ये मेरा प्यारा केयरिंग और शेयरिंग वाला बच्चा है। हमने 14 अप्रैल को एक सेल रखी थी और उसको चेकआउट करने के लिए कि क्या उसका रिजल्ट रहा, तो उसके लिए मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन वीडियो अपलोड करते समय कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उस वजह से मैं जा ही नहीं पाया, तो युगल भाई घर आ गए। थैंक यू युगल भाई। तब इस औरत को रहम नहीं आ सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर दुख रहा है, लेकिन नहीं दौड़ने चलो। आज ना भंते जी ने एक चीज़ और बताई, जैसे बाबा साहब बोलते हैं बी एजुकेटेड शिक्षित बनो, और बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में ये बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये चीज़ में बड़े सोचता रहता था ऐसा कैसे हो सकता। कई सारे नेता इसी चीज़ को उठाते हैं और बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से अच्छे तो हमारे अनपढ़ लोग हैं जो उनके पीछे आँखें बंद करके चल देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इन पढ़े लिखे लोगों के लिए, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काशीराम जी ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मेरा तजर्बा थोड़ा आपको बताता हूँ। शहरों के एजुकेटेड एम्प्लाईज लोगों को जब हम मीटिंग लेके बताते हैं, वो 10 सवाल पूछते हैं, हम 10 सवाल का जवाब देते हैं, 6 महीने के बाद उसी इलाके में जाओ तो वही लोग आते हैं, फिर वही 10 सवाल दोबारा रिपीट करके पूछते हैं, जिसका हमने पहले ही जवाब दिया, और जवाब देने के बाद ये पता नहीं चलता कि वो हमारा समर्थन करने वाले हैं या नहीं है। तो आज ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, और मैं आपको भी क्लियर करता हूँ कैसे। सिंपल सा फंडा ये था कि शिक्षित बनो का मतलब ये नहीं है कि आप 10वीं 12वीं फिर डिग्री फिर पीजी कर लो, और ना ये जो कंपटीशन की जो फाइट होती है ना इनके पीछे मत भागो, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो लोग भी कुछ अच्छे पोस्टों पर पहुँच जाते हैं तो वो पैसा कमा के रख लेते हैं, सोचते हैं कि मेरी 7 पुस्तें खा लें, और उनकी 7 पुस्तें वो निकम्मी पैदा होती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं। तो बी एजुकेटेड एक अलग तरीके से। क्या खास तरीका ये बताओ? खास तरीका ये कि तूने आयना को ICSE कोर्स में डाला ना। ICSE कोर्स जो है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखता है, और तेरे को पता है जैसे अगर मैं 8th क्लास में ICSE कोर्स में हूँ ना, जब मैं अमेरिका जाऊँगा ना तो वहाँ मुझे 8th क्लास में ही लिया जाएगा, तेरे को पता है। अच्छा। और अगर तुम MPCBSE से जाओगे ना तो मैं 2 क्लास रिमोट कर दिया जाएगा, मतलब 8वीं में हो गए तो 6ठी क्लास में लोगे। नहीं, BBA और MBA करने से पहले मैं BCA कर रहा था, हमको कौन सी भाषा सिखाई जा रही थी पता है? पास्कल, कोबोल, जो जिसका इस्तेमाल ही होना बंद हो गया है। हमें सिखाना चाहिए था उनको C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस, PHP। आज भी हारने के लिए तैयार हो? हाँ जी, तैयार। आज भी देशद्रोही बोलोगी मेरे को? हाँ। चलो तो दौड़ लगाओ, 1 2 3। कॉर्पस, मुझे अपना दौड़ने वाला गुरु चेंज करना है, मैंने अपने गुरु करा दिया। एक आपके मेरी एनर्जी आपने आ रही है। हैं? हराया कि नहीं हराया होता? एक तलवार में 2 म्यान नहीं रह सकती है, उल्टा बोल गई। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। फिर सर दुख रहा था, फिर भी इसने मुझे सिखाया कि दौड़ो, इससे पहले मैं आज तक नहीं दौड़ा कभी। बस मेरे शेर, ये मेरी गुरु थी। कोई नया गुरु हो तो बता दो कमेंट करके। ओ तेरी तो CNG 86 पहले आए थे, 83 थी, 86 हो गई CNG अभी 3 दिन पहले। हाँ, तो प्रेशर भी कम है। ये 3-4 दिन हो गए, बढ़ गई। मैं नागपुर गया था ना तो वहाँ पर CNG जो है ना 93 रुपीज थी, तो मैं सोच रहा था यार चलो यार घूमना है तो डलानी पड़ेगी, मुझे लग रहा कुछ दिनों में ना ग्वालियर में 93 मिलेगी। को देखिए, ये एक ब्लॉगर है सौरभ जोशी ब्लॉग्स, यहाँ तक मेरे को अंदाजा है ये 12वीं पास होगा, लेकिन इसने यूट्यूब को सीखा पढ़ा और इस वक्त ये करोड़पति है। आपको पता है इसके पिताजी जो है ना वो पुट्टी का काम करते, टाइम था घर में कुछ भी नहीं था, आज पता नहीं कितनी तो गाड़ियां और कारें और पता नहीं क्या कुछ नहीं है। कहने का मतलब है एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बच्चे को ओए 10th में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, ओए 12th में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, कुछ जो अच्छा लगता है अगर आप उस काम के पीछे भागोगे ना तो आपको काम भी एक खेल लगेगा। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग अंबेडकराइट कपल में। जिस तरह से मैंने दिखाया था ना, आप देखिए भारत के दूसरे कोने पे क्या हो रहा है, ये कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, पता है आपको? क्यूट है ये, RSS वाले नहीं है, ये समता सैनिक दल के बच्चे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। आपको पता है समता सैनिक दल जो है बाबा साहब ने गठित की थी। भीम आर्मी तो अभी बनी है, बाबा साहब की ये इक्वालिटी आर्मी तो बहुत पहले बन चुकी थी। सोशल मीडिया की पढ़ाई होती है और वो ICSE कोर्स में पढ़ाया जाएगा इतना मुझे पता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को है ना कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। और मुझे ये बात भी पता है कि ये ST SC OBC के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, तो आपको है ना उनको इंटरनेट
की ताकत देनी होगी, क्योंकि इंटरनेट बहुत सस्ता है इस वक्त। ये आया किसी और कारण से था, लेकिन उसका फायदा बहुजन ने उठाया और इसी वजह से बहुजन मीडिया बन पाई। और आखिरी में भंते जी ने ना ये बताया था कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों बोला कि उनको पढ़े लिखे बच्चों ने धोखा दिया। उनका ये कहना था कि आपके कितने नेता बनते हैं, बाबा साहब ने उनको रिजर्वेशन दिलाया ताकि वो नेता बने, लेकिन वो काम तो उनका करते ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक तो ऐसे ही कर रहे हैं। उसी तरह से बाबा साहब ने जब कुछ लोगों को एजुकेशन दी, उनको लगा कि ये लोग भी मेरी तरह मेरे ही इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बट वो नहीं बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर है ना शील नहीं था। शील क्या होता है पता है आपको? पंचशील। No sexual misconduct, no killing, no stealing, no lying, no alcohol. सम्राटों की जय है, सम्राटों की जय है, ये मेरे सम्राट हैं, आप तो मेरे प्यारे सम्राट हो। 15 अप्रैल का पेपर है और देखिए यहाँ कोने में कहीं पर है ना छोटा सा फोटो दिया हुआ है कि क्या हुआ 14 अप्रैल को ग्वालियर में। लाइन तो वैसे काफी लंबी है, कौन देखेगा, जल्दी से आ जाओ और लाइन लगा लो। मैंने नया लगाया मालूम, इसमें है ना एक बच्चा आता है उसके दांत निकले होते हैं लंबे लंबे से, स्वीट टूथ। अरे स्वीट टूथ है इसकी, एक बहुत ही खास लड़के की। अच्छा की पार्टिंग कौन करेगा? जो कीप सपोर्ट पापा, की पार्टिंग मेरे पे ही डालना। मैं उसका डाल देता हूँ। मैंने आयना से बोला आयना की सपोर्टिंग कर दो, आयना बोलती है आप मेरा ही डालना, आप मेरे से बोलते हैं ना आरन से करवा देते हो उसका डालते हो। हाँ वो मेरे से भी कह दी वाली बात, पापा है ना मेरा की पार्टी में डालते, भैया का डाल देते। अच्छा ऐसे दोनों का डाल, तू करते हो की पार्टी कर दे, मेरा ऐसे बड़ा डाल दी तू की, मैं नहीं कर रहा की पार्टी, की पार्टी डेंजर लड़ी वाला मुक्का वाला 1 2 3।